देशभर में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर करने के आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जब किसी वकील ने आरोपी की पैरवी करने से मना कर दिया तो सियालदा कोर्ट ने ये जिम्मेदारी कविता सरकार को दी है। 52 साल की कविता लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की सदस्य है। लीगल एड वैसे लोगों को दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती या जिनके केस के लिए कोई वकील तैयार नहीं होता है। कविता सरकार पिछले 25 सालों से वकालत कर रही हैं, लेकिन ये केस उनके 25 सालों के लीगल करियर का सबसे मुश्किल केसों में से एक है। वो सियालदा कोर्ट में लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस का गुनाहगार माने जाने वाले संजय रॉय का केस लड़ने जा रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कविता ने इस केस को लेकर अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों की तरह ही मैं भी पीड़ित डॉक्टर के लिए इंसाफ चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए न्याय कोर्ट की सुनवाई के बाद है, ना कि उससे पहले। इस देश में हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का हक है, चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो। देश भर में महिला आंदोलन और हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर कविता सरकार ने कहा कि मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरा काम उन आरोपियों का पक्ष रखना है जिनको क्रिमिनल केस में वकील नहीं मिलते हैं। ऐसा ही अकेला मामला नहीं है, पहले भी मैंने ऐसा ही किया है। मैं अपनी तनख्वाह से बेल बॉन्ड भर चुकी हूँ। अदालत ने मुझसे आरोपी का पक्ष रखने के लिए कहा है तो मैं वही करूँगी। मैं अदालत से अपील करूँगी कि जब मैं संजय रॉय का पक्ष रखूँगी तो मेरे सीनियर वकील सौरभ बनर्जी को मेरा साथ देने की परमिशन दी जाए। कविता सरकार से जब संजय रॉय के लिए मौत की सजा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पर्सनली मृत्युदंड की मांग का समर्थन नहीं करती। मेरे लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान सबसे बड़ा दंड है। मैंने जेलों में और प्रेसिडेंसी महिला सुधार गृह में जाकर देखा है, किसी भी व्यक्ति को उनकी लाइफ में अपने अंदर झांकने यानी आत्मनिरीक्षण करने और अपराध के लिए गिल्टी होने का मौका दिया जाना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है। कविता सरकार के करियर की बात करें तो उन्होंने हुगली मोहसिन कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। उन्होंने अपने लीगल करियर की शुरुआत अलीपुर कोर्ट से की, जहां पर शुरुआत में उन्होंने सिविल केस लड़े। उन्होंने फरवरी 2023 में SALSA वकील के रूप में आपराधिक मामलों को देखना शुरू किया। कविता सरकार का ट्रांसफर जून 2023 में सियालदा कोर्ट में कर दिया गया। संजय रॉय का केस लड़ने को लेकर वकील कविता ने कहा कि सरकार ने कहा है कि अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल केस है जिसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है।